दूसरा क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में टैन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समकोण त्रिभुज दे रखा है और इसमें जो इसका लंब है 12 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर और आधार की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले तो आप इस आधार की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू हम एक्स मान लेते हैं और इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे कर्ण की जो वैल्यू हो जाएगी 13 का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, आधार की वैल्यू एक्स माना है तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो वहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, तो x बराबर हो जाएगा 5, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हम निकालते हैं टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू है, वह होता है लंब बटा आधार और टेन का उल्टा काट होता है, तो काट का हो जाएगा आधार बटा लंब। यहाँ पे दिया है टेन पी, तो न्यून कोण होगा और न्यून कोण के जो सापेक्ष होता है वह लंब होता है, तो टेन पी में यह लंब हो जाएगा और यह कोण हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे लंब बटा आधार है 5/12 माइनस। अब यहाँ पे कॉट आर है, आर न्यून कोण हो जाएगा और न्यून कोण के सापेक्ष लंब होता है और यह कर्ण होता है और यह आधार होता है, तब यहाँ पे जो आधार हो जाएगा 5 हो जाएगा और लंब हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, तो 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0। टेन पी माइनस कॉट आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 3/4 तो कासे और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हम जानते हैं कि जो साइन ए होता है वो लंब बटा कोण होता है, तो यहाँ पे जो लंब हो जाएगा 3 हो जाएगा और जो कोण हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको हम x मान लेते हैं और इसमें ए सी का जो स्क्वायर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसमें सारे वैल्यू रखा है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर 16 माइनस 9, एक्स स्क्वायर बराबर 7, तो x बराबर हो जाएगा √7। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आएगा √7। अब यहाँ से cos a और tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos a की वैल्यू, अब हम जानते हैं कि जो cos a होता है 7 हो जाएगा और जो कोण हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √7/4। अब यहाँ से टेन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, और टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार लंब की वैल्यू हो जाएगी 3 और इस तरह से कासे और टेन ए की वैल्यू √7/4 और 3/√7 आ जाएगा।